Welcome to our interim budget series, where we will discuss interim budget 2019 in parts. Today's part of discussion is inclusive growth part 2. बहुत ही छोटा सा part है, थोड़ा सा insignificant है अगर बाकियों से compare करें जो अभी तक हम cover कर चुके हैं, but nonetheless insignificant comparison में है. Actually insignificant नहीं है. आपके mains के answer और prelims में पूछा जा सकता है इसमें से. तो इस बारी जो हम देखेंगे inclusive growth related, वो क्या है? एक तो nomadic tribes के लिए government ने कुछ measures निकाले हैं, दूसरा education और health के लिए government ने कुछ बातें बोली हैं, ज़्यादा more importantly rather than bringing in schemes, government ने ना कुछ चीजें list out करी हैं कि क्या achievements रही हैं उनकी. तो एक बारी देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं nomadic tribes के बारे में. अब कुछ tribes होती हैं जैसे denotified tribes, nomadic tribes, semi-nomadic tribes, जो SC/ST की category में नहीं आती, alright? और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं. अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स वो हैं जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया की ने क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया था. अब क्रिमिनल ट्राइब्स का उनकी ट्राइब को ही क्रिमिनल कह दिया था. अब उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता था. उन्हें कुछ कुछ दिनों में हर पीरियोडिकली हफ्ते में दो हफ्ते में पुलिस स्टेशन में हाजिरी करनी पड़ती थी, उनकी मूवमेंट रोकी जाती थी. तो जब हम आजाद हुए तो गवर्नमेंट ने उन्हें डीनोटिफाई कर दिया. ऑलराइट, नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं जो रेगुलर ऑन द मूव होती हैं, कुछ टाइम यहां रुकेंगे फिर कहीं और मूव करते रहेंगे. सेमी नोमैडिक भी वही होंगे, मूव करेंगे बट इतना नहीं जितना ये. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो हैं जो अभी तक सिविलाइजेशन तक पहुंचे ही नहीं है, वो आज भी प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लिविंग में ही रहते हैं, जरा भी सिविलाइज नहीं है. अच्छा, सिविलाइज इज अ लिटिल पेजोरेटिव, बट उनके अपने ही जैसे ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे हम दिमाग में इमेज नहीं बन जाती हमारी कि ट्राइबल्स कैसे होंगे, वैसे टाइप की ट्राइब्स हैं. तो सबसे पहला काम गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले इन ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि ये ट्राइब्स ना गुमनाम है, और अगर गुमनाम है तो इन तक वेलफेयर मेजर्स पहुंच ही नहीं पाते, राइट? SC/ST इनके बारे में तो लिस्टिंग है, इनके बारे में तो पता है, तभी इन्हें आइडेंटिफाई करके इन्हें रिजर्वेशन दी जा रही है और बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स किए जाते हैं. बट नोमैडिक ट्राइब्स बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं ना, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना ही बड़े मुश्किल है. सरकारी खातों में ये गुमनाम है. तो सबसे पहला काम इनको आइडेंटिफाई करना है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए नीति आयोग के अंडर एक कमिटी बनेगी जो इन्हें आइडेंटिफाई करेगी. आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो वेलफेयर मेजर्स लेंगे. दूसरी चीज, अभी तक ना ऑलरेडी हमें पता है कि 260 ऐसी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, और वो नेशनल कमीशन गवर्नमेंट ने बिठाया था, और उन कमीशन के नाम से रेनेके और इदात कमीशन, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है 260 कम्युनिटीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें क्लोज टू 10.5 करोड़ लोग हैं. 2.74 करोड़ पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, जिन तक गवर्नमेंट का वेलफेयर पहुंच ही नहीं रहा है, कि आइडेंटिफाइड नहीं है. तीसरी चीज जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर हम एक स्पेशल डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसका नाम है वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड, जो इन ट्राइब्स को जो आइडेंटिफाई हो जाएंगी उनके लिए स्कीम्स डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, और उनके रिलेटेड वेलफेयर मेजर्स को ओवरसी करेगा, देखेगा. ऑलराइट, और लास्ट चीज जो नोमैडिक ट्राइब्स के लिए नहीं है बट स्टिल ट्राइबल्स और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के, उनके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में दे विल एलोकेट मोर मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स. तो यही सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एलोकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो ये करने जा रहे हैं गवर्नमेंट टू सो दैट इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास. बट अगर ये लोग आइडेंटिफाई ही नहीं होंगे तो इनका विकास कैसे होगा? तो गवर्नमेंट का मेन काम, इन्हें आइडेंटिफाई करो और इनको भी डेवलपमेंट के पथ पर लेके चलो, तभी एक्चुअल इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. ऑलराइट, अब दूसरी चीज हम आ जाते हैं हेल्थ को लेके. गवर्नमेंट ने बताया कि उसकी जो आयुष्मान भारत स्कीम थी ना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, वो कितनी कामयाब साबित हुई है. अब आपको याद होना चाहिए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या थी. अगर नहीं याद है तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसकी PDF, उसमें एक्सप्लेन होगा ऑलरेडी. ऑलराइट, वैसे मैं ब्रीफ में बता देता हूं नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या है, कि जो भी पुअर और वल्नरेबल लोग हैं ना, फैमिलीज हैं, ठीक है, ऐसे 10 करोड़ फैमिलियां आइडेंटिफाई की जाएंगी. उन 10 करोड़ फैमिली को सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा. ऑलराइट, सेकेंडरी और टर्शरी,
सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी से कैसे डिफरेंट है आपको पता होना चाहिए। थ्री टाइप्स की होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी होती है जैसे ये प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं होते जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स होते हैं, वैक्सीनेशन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स वगैरह, न्यूट्रिशन की चीजें, डिजीज कंट्रोल, ये देखते हैं। सेकेंडरी होते हैं जहां वो फैसिलिटीज भी होती हैं जैसे एक्सरे की फैसिलिटी, सीटी स्कैन की फैसिलिटी, ये सारी। और टर्शरी हेल्थ केयर जहां बड़ी बीमारियां होती हैं, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर यूज होती हैं। ऑलराइट, तो प्राइमरी हेल्थ केयर तो हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, बट जो पुअर और वल्नरेबल है ना वो बेचारे सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर तक नहीं जा पाते, और अगर चले भी जाते हैं तो उनका खर्चा बहुत होता है क्योंकि गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं है या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने लोगों को केटर कर सके, तो वो बेचारे प्राइवेट में जाते हैं। अब प्राइवेट में रेट बहुत ज्यादा होते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की स्कीम या इंश्योरेंस पुअर और वल्नरेबल लोगों को दे दी है। अब वो लोगों का क्या है, जिन लोग जो लोग इसमें आइडेंटिफाई होंगे और जिन लोगों को ये स्कीम मिलेगी या जिसका ये पार्ट होंगे, वो किसी भी गवर्नमेंट के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अब किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, बस उसे सरकार पे रजिस्टर होना पड़ेगा, इम्पैनल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे लोगों का खर्चा कम होगा, राइट। अब गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी दे रही है, इस एक फैमिली को एक साल में 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, कवर मिलेगा, राइट, 5 लाख पर एनएम तक का कवर मिलेगा अंडर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। यह है ब्रीफ में आयुष्मान भारत, डिटेल में पीडीएफ में होगा। अब गवर्नमेंट यह बताती है कि ऑलरेडी 10 लाख लोग काफी फायदा उठा चुके हैं इसका, और इसी वजह से हेल्थ के इंडिकेटर्स वाइज, क्योंकि हेल्थ का जो इंडिकेटर है ना उससे हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग ऊपर होती है, उससे हमारी और कई चीजों की रैंकिंग्स वर्ल्ड में, यूनेस्को में, वर्ल्ड बैंक के जो भी फिगर्स आते हैं उसमें हमारा जो स्टेचर होता है वो अच्छा होता है। तो इसीलिए इस चीज को कर रहे हैं हम, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। हेल्थ रिलेटेड एक और चीज बोली है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, कि हरियाणा में एक एम्स खोल रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो खोल रहे हैं। एजुकेशन को लेके भी एक चीज बोली गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट 10% इंक्रीज कर रही है, कोटा दे रही है जो अपर कास्ट है उनके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, तो बहुत सारे रिजर्व कैटेगरीज एज वेल एज अनरिजर्व कैटेगरीज ये सोच रहे हैं कि हमें तो सीटी नहीं मिलेगी, हमें तो और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ताकि वो लोग डरे ना, इसीलिए हम नंबर ऑफ सीट्स ही इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% की रिजर्वेशन और मिलेगी, तो गवर्नमेंट कह रही है हम सीट्स ही बढ़ा देते हैं ताकि आप ज्यादा फियरफुल ना हो, सबको मौका मिले पढ़ने का, जो अनरिजर्व भी हैं और रिजर्व भी। तो गवर्नमेंट कह रही है 25% सीट्स वो बढ़ाएंगे, क्लोज टू 2 लाख सीट्स हो जाती हैं वो। ऑलराइट, अब एक और चीज, आज जो आपकी पीडीएफ अपलोड होगी इस वीडियो के साथ, उसके साथ एक और पीडीएफ अपलोड होगी। वो पीडीएफ में क्या होगा, गवर्नमेंट ने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों से रिलेटेड एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट दिया है, फिर एआई के रिलेटेड कुछ बातें बोली हैं बजट में ही, तो वो एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप उसे पढ़ भी लेंगे तो भी बहुत, जैसे मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, मुश्किल होगा ही नहीं, बस उसे पढ़ना है और याद करना है। तो इसीलिए आई एम नॉट मेकिंग अ सेपरेट वीडियो उस पे, और मैं इसी वीडियो के साथ वो पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, फिस्कल डेफिसिट वगैरह वगैरह रिलेटेड टू दिस ईयर्स बजट। ऑलराइट, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।